अहम खबर है, जहांगीर तरीन से मुतअद्दिद रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने लाहौर में सियासी दफ्तर कायम कर लिया। जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतहरिक हो चुका है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जहांगीर तरीन से 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात मुलाकात कर चुके हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। यासिन मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिन, क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद जो अरकान है वो पंछी बनकर उड़ने को तैयार हैं और जहांगीर तरीन मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं। ज़राए का दावा है कि जहांगीर तरीन ने लाहौर में एक सियासी दफ्तर कायम कर लिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप भी इस हद तक मुतहरक हो गया कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जहांगीर तरीन से 20 से ज्यादा अहम तरीन सियासी शख्सियात ने मुलाकात की है। और यह ज़राए का दावा है कि जल्द ही तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आ सकता है। और ज़राए मज़ीद दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन और उनके दीगर जो साथी हैं वो एक नई पार्टी सियासी पार्टी है वो भी तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया यासिन, आपने अपडेट किया।